सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप प्लांट्स देखकर समझ गए होंगे कि आज का मेरा प्लांट सब्जेक्ट है पोचुलका, जिसे 9 o'clock भी कहते हैं। समर का सबसे अच्छा फ्लावर प्लांट है, इजीली ग्रो है, नो केयर है, पर विंटर में इसकी थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है क्योंकि विंटर में डाई बैग में चला जाता है, इतनी धूप इसको मिलती नहीं है जितनी समर में चाहिए इसको। इस हिसाब से ये देखो मेरे पोचुला का अलग अलग पॉट्स में लगे हैं, कुछ प्लास्टिक के डब्बों में लगे हुए हैं, कुछ मग्स में लगे हुए हैं। ये फेवरेट प्लांट है समर का क्योंकि इजीली कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, शीट से भी लग जाता है, पर अभी ये डाई बैग में चला गया है। कहना है कि पोचुलका में फ्लावर्स नहीं आ रहे, पर उनको पता ही नहीं कि विंटर में पोचुलका फ्लावर्स नहीं देता, बहुत रेयर चांस में देता। ये देखो सारा डाई बैग चला गया, डाई बैग हो गया, सूख गया है। इसको आप समर के लिए बचा के रखे, इससे अच्छा आप इसकी कटिंग कर दें और जो मोटे स्टेम्स हो उनको आप सेव रखें, बाकी जो ये सूख गए इनको हटा दें, जिससे कि आपके समर में फ्लावर्स अच्छे आएंगे। इनकी कटिंग करते जो बड़े बड़े स्टेम्स हैं इनको रखें, यहाँ से नॉट इसका यहाँ से, तो यहाँ से इनकी सीजर से कटिंग कर दे, उस समर आते ही ये अच्छे से सेविंग रह जाएंगे, फ्लावर्स भी देंगे। जैसे कि पूरा डाई बैग हो गया तो इनको आप हटा दे, रिमूव कर दे। इनमें से जो बड़ी स्टेम्स है जो ग्रीन कलर की, इनको आप रखें, यहाँ से नॉट लगा दे अलग बाउल में। ये देखो सारा ख़राब हो गया मेरा पोचुला का। ये सारे कलर के मेरे पास रेड है, येलो है, पिंक है, ऑरेंज है, येलो 2 shaded में है, पिंक 2 shaded है, वाइट एंड पिंक है, एंड वाइट है। विंटर में केयर करने से मैं ये है कि इनकी यहाँ से नॉट से कटिंग कर दे, जैसे ये देखो यहाँ से जैसे ये वाइट वाइट हो गया। आप इनके शीट्स को भी सेव कर सकते हैं, जैसे कि इनके शीट्स लगे हुए थे बड़े बड़े, ये तो पक गया, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ये अलग टाइप का पोछू लगा है, इसमें तो मिली बक्स भी लगी हुई है कुछ, उनको आप ऑर्गेनिक से हटाएंगे, ऑर्गेनिक फंजीसाइड का छिड़काव करेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर हो गया। ज़्यादा तो नहीं लगी हुई, 1-2 है इनके ऊपर मिली बक्स, ज़्यादा लगती तो ये सारा ख़राब हो जाता। वैसे ही अच्छा है तो इनकी कटिंग कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सारे की कटिंग करनी पड़ेगी, वाइट वाइट जहाँ से फ्लावर्स आ रहे हैं इनको आप अलग पॉट में लगा देंगे तो समर आते आते टाइम ये अच्छे फ्लावरिंग करेंगे। इजीली आप छोटे से बॉक्स में या जैसे ये कूलर है इसमें भी लगा सकते हैं मिट्टी डाल के।